भाई शायद भाई सईद अजमल आए थे यहाँ पे थोड़े दिन पहले, उन्होंने कुछ कहा, मैं दिखा दूँ फिर आपके। सईद अजमल ने हमारे प्रोग्राम में कुछ कहा, वही जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो साउथ अफ्रीका वाला टूर था उसमें कुछ कहा सईद अजमल, दिखाइएगा। सारी टीम फिर आफ्रिदी की बात तो ठीक हो गई ना, एक तबका तो था ना यूनुस के खिलाफ, तो वो खुद भी तो थे ना। यूनुस खान ने बुलाया कि सईद अजमल आपने मेरे खिलाफ बैठे थे ग्रुप बननी में, मैंने कहा मैं बैठा हुआ था, मैंने कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं था, मुझे नहीं पता और कितने बंदे। एक जूनियर बंदा जहाँ पे 8 सीनियर बैठे हो, ये कहा जाए कि आप अगर ना हमारे साथ मिले तो हम आपको टीम से आउट कर देंगे, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। ये मैंने यूनुस भाई के आगे रखा कि ये सिचुएशन है, अब आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता। उन्होंने कहा जी कि आपने जो किया ठीक किया, आप जा सकते। तो उस कमरे में आप थे क्या? ऑलरेडी किताब के अंदर सब मेंशन कर चुका हूं, जितनी भी स्टोरी सुना रहे हैं सब मैंने किताब में लिखी है। मैं ये नहीं लिखा हुआ कि आप थे उस कमरे में? मैं था, क्यों नहीं था? यूनुस के ही कमरे से? मैं वाइस कप्तान था। हाँ, मैं वाइस कप्तान था, हमें बुलाया गया था। उस लड़के का नाम मैंने मेंशन नहीं किया इसलिए कि हम सब ने हल्फ उठाया था, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ है वैसे मेरे ख्याल से। नहीं, वो मैं किसी का नहीं, आप मैं आपसे नहीं कह रहा, आप लेकिन कुछ लोगों ने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर दी। खिलाफ वर्जी भी की उन लोगों ने, लेकिन मैं एक बात उस किताब के अंदर जो पढ़ेंगे तो पूरी मैं कहानी बता दूंगा आपको। सबको यूनुस खान से प्रॉब्लम्स थी, मैंने पढ़ी है इस किताब, सबको प्रॉब्लम्स थी। हमें जब चेयरमैन साहब के पास गए हम लोग, सब ने अपनी अपनी शिकायतें की, इजाज भट्ट साहब के पास। तो मैं इजाज भट्ट साहब के पास, मैंने कहा रहने दें इसको अभी, मैंने कहा सर मुझे आप 2 मिनट दे दें, मैंने ये अपने शिकायतें सबकी सुन ली, यूनुस को बुला लें, यूनुस खान ही बेस्ट चॉइस है कप्तान, आप इन सबकी शिकायतें यूनुस खान के सामने रख दें ताकि यूनुस खान को पता चले कि लड़कों को ये प्रॉब्लम्स है आपके साथ, लेकिन यूनुस खान को हटाइएगा मत। तो अगर आपकी राय ये थी तो फिर आप उसमें क्यों आपने बैठना मुनासिब समझा कि जहाँ पर बाकायदा यूनुस के खिलाफ प्लानिंग हो रही थी कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इसके साथ? नहीं, तो मुझे अगर फोन कॉल आती है कि हम सारे यहाँ पे बैठे हैं तुम आ जाओ, और वहाँ पे ये कि हमने इसकी कप्तानी में नहीं खेलना और हमने जाके चेयरमैन से मिलना है, तो आफरीदी तो बहुत है उसमें ज्यादा आदमी है यार, ये सब क्या तमाशा यार, ये नहीं करो यार। मैंने कह दिया था, मैंने कहा चलो यूनुस खान के पास चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यूनुस खान से डिस्कस करते हैं। मना किया सबने, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हमने चेयरमैन से मिलना है। मैंने कहा फिर यूनुस खान के बजाय मैनेजर के पास चले जाते, मैनेजर साहब बड़े उनसे बात कर लेते कि यूनुस खान को बिठाए और ये सारी चीजें बताए कि लड़कों की ये प्रॉब्लम्स है। बाकी यूनुस खान को बिल्कुल इरादा नहीं था कप्तानी से हटाने का, हमारा कोई प्लान था ही नहीं, मेरा तो नहीं था। लेकिन हम इसी कप्तानी में नहीं खेलेंगे तो फिर और नहीं ऐसी बात नहीं थी कि नहीं खेले, तो हलफ किस चीज का था फिर कि ये बात बाहर नहीं जाएगी? ये बात बाहर तो अंदर कोई बड़ी काम की बात हो रही थी तभी था ना कि बात बाहर चली गई ना, मतलब 2-3 लड़कों ने जाके बता दिए उसको, ठीक है चल।